हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा मिश्रा। दोस्तों, आलू यानी कि पोटैटो हमारे देश की सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ों में से एक है। बच्चे हों या बड़े, सभी को आलू का टेस्ट पसंद होता है। चाहे आलू के परांठे हों या चिप्स हों, सबके मन को भाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हेल्थ कॉन्शियस है, आलू को इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि आलू वज़न बढ़ाता है। तो यहाँ मैं एक मिथ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आलू अगर आप तल के खाते हैं या फ्रेंच फ्राइज़, पकोड़े, समोसे ये सब बना के खाते हैं तो आपका वज़न बढ़ाता है। उबला हुआ आलू वज़न नहीं बढ़ाता है, और आलू का जूस तो आपके वज़न को नियंत्रित करता है। तो यहाँ मैं आपको आलू के जूस के ही बेनिफिट्स बताने वाली हूँ, किस तरह से ये आपकी हेल्थ और ब्यूटी के लिए बेनिफिशियल है ये जानेंगे आज हम। आलू के जूस की बात करें तो आलू के जूस में आयरन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, फाइबर, कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन ए और विटामिन बी तथा विटामिन सी भी होते हैं, जो कि सेहत के लिए, ब्यूटी के लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होते हैं। आलू का जूस पीने से आपको कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है, छुटकारा मिल सकता है। साथ ही साथ ये आपकी ब्यूटी को भी निखारता है, किस तरह से चलिए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये टॉपिक आपको पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक का बटन नीचे है उसे ज़रूर ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि उसी से मुझे मिलेगी इंस्पिरेशन आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाने की। और अगर आपने ऑलरेडी लाइक कर दिया है वीडियो को तो आपको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। तो चलिए जानते हैं आलू का जूस किस तरह से आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। आलू के जूस में इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन को दूर करने के गुण होते हैं। जोड़ों की समस्याओं जैसे कि अर्थराइटिस आदि से प्रभावित लोगों के लिए दिन में 2 बार आलू का जूस पीने से सूजन और दर्द दोनों दूर होते हैं। साथ ही साथ आलू के जूस के सेवन से आपके जोड़ों में ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। तो अगर आपको जोड़ों की दर्द की प्रॉब्लम है, जॉइंट पेन रहता है, तो आप 1/2 कप आलू का जूस रोज़ाना ज़रूर पिए। आलू का जूस बनाना बहुत ही सिंपल होता है। सिर्फ आपको आलू को छीलकर धो लेना है, और उसके बाद आपको मिक्सी के जार में या जूसर में उसे पीस लेना है या उसका जूस बना लेना है। दोस्तों, आलू दिल की बीमारियों और स्ट्रोक से बचाने के लिए भी आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को नियंत्रित करता है। कोलेस्ट्रॉल अगर आपका बढ़ा रहता है या आपका हाई बीपी है, तो आपको आलू के जूस का सेवन सुबह खाली पेट ज़रूर करना चाहिए। इसके साथ साथ आलू का जूस आपको हार्ट अटैक और ट्यूमर से भी बचाता है, साथ ही साथ कैंसर से भी बचाता है आलू का जूस। तो आलू का जूस आपके लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपको गाउट या गठिया का रोग है तो आपको आलू का जूस ज़रूर पीना चाहिए। गाउट यानी गठिया की प्रॉब्लम तब होती है जब आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो सुबह खाली पेट अगर आप 1/2 ग्लास आलू का जूस पियेंगे तो इससे शरीर में से एक्स्ट्रा यूरिक एसिड बाहर निकलता है। आलू के जूस में सूजन कम करने वाले भी गुण होते हैं, इसलिए इसके सेवन से गाउट के कारण होने वाली सूजन भी कम हो जाती है और आपको गाउट अटैक्स भी कम होते हैं। मोस्टली लोग ये मानते हैं कि आलू वज़न बढ़ाता है, लेकिन अगर आलू का जूस पियेंगे तो आपका वज़न बढ़ने की बजाय कम हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सुबह उठकर नाश्ते से पहले और सोने से 2-3 घंटे पहले अगर आप 1/2 ग्लास आलू का जूस पीते हैं तो आपकी भूख पर नियंत्रण रहता है और आपका वज़न कम होता है। दोस्तों, किडनी की बीमारियों से बचने और इनसे राहत पाने के लिए आलू का जूस पीजिए। ये आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को भी नियंत्रित रखता है, यानी डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी अच्छा है। आलू के जूस का सेवन मूत्राशय में कैल्शियम की पथरी नहीं बनने देता है। इसके अलावा हेपेटाइटिस, लिवर और गाल ब्लैडर की गंदगी शरीर से बाहर निकालने के लिए भी आलू के जूस का सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। जापानीज़ लोग तो हेपेटाइटिस को दूर करने के लिए आलू के जूस का ही उपयोग किया करते हैं। तो आपके दिल, आपके लिवर और आपकी किडनी तीनों के लिए बेहतरीन है आलू का जूस। तो ये आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स दे सकता है। इसके अलावा अगर आपके पेट में जलन रहती है या पूरा दिन आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो सुबह खाली पेट आप 1/2 ग्लास आलू का जूस पी लीजिए, आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। इसके अलावा जिन लोगों को बाल गिरने की प्रॉब्लम है, बाल बहुत जल्दी टूटते हैं और बाल गिरते जा रहे हैं, बालों का गिरना कम ही नहीं हो रहा है और बालों की लंबाई भी नहीं बढ़ती है, तो आप आलू का जूस नियमित रूप से
पिए। साथ ही साथ आलू के जूस का मास्क आप अपने बालों में लगाएं। एक आलू को लेकर इसका छिलका निकाल लें, इसके टुकड़ों को काट कर आप पीस लें, इससे रस निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा शहद मिला लें और इस पेस्ट को आप बालों पे लगाएं, 2 घंटे के लिए रखें, उसके बाद शैम्पू करें। इससे आपके बालों की लंबाई बढ़ेगी, बालों का गिरना रुकेगा, साथ ही साथ बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। तो बालों के लिए भी आलू का जूस बहुत अच्छा होता है। अब बात करते हैं स्किन की। चेहरे पर दाग धब्बे, पिंपल्स हैं, झुर्रियाँ हैं, झाइयाँ हैं, तो आलू का रस बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन सी है, बी कॉम्प्लेक्स है, मैग्नीशियम है, फॉस्फोरस है, जो स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अगर आप अपने स्किन के दाग धब्बे दूर करके स्किन को क्रिस्टल क्लियर बनाना चाहते हैं, तो आप आलू के रस में थोड़ा सा शहद, थोड़ा सा विटामिन ई या ऑलिव ऑयल मिला करके ना रोज़ाना इसका मास्क अपने चेहरे पर लगाएं। इससे एक तो आपकी पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम दूर होगी, स्किन जो है वो इवन टोन होगी, गोरा निखार आएगा आलू के रस से आपकी स्किन में, क्योंकि विटामिन सी होता है। साथ ही साथ अंडर आई डार्क सर्कल्स पर लगाएंगे तो वो डार्क सर्कल्स भी आपके दूर हो जाएंगे और स्किन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, प्यारी हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पेट में अल्सर है, पेट में अल्सर आजकल बहुत लोगों के हो जाते हैं क्योंकि हमारा खान पान ऐसा हो गया है, तो आप क्या करें, आलू के रस के साथ खीरे का रस मिला करके रोज़ाना पिए। ये आपके पेट में ठंडक देगा, पित्त की प्रॉब्लम दूर करेगा और अल्सर की प्रॉब्लम भी दूर करेगा। तो देखा आपने, आलू जिसे हम मोटापे की जड़ मानते हैं और सोचते हैं कि ये आलू खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, ये आपको कितनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम से, कितनी सारी ब्यूटी प्रॉब्लम से बचा सकता है। लेकिन इसको खाने का सही तरीका आना चाहिए, या तो आप उबला हुआ आलू खाएं और या फिर उसका जूस पिएं, तो आपके लिए ढेरों फ़ायदे ये दे सकता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा आपको। तो प्लीज़ जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर, जहाँ भी आपके ग्रुप्स हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छे से हेल्थ टिप या फिर ब्यूटी वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।